हाय एवरीवन, दिस इज वैशा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे आइडियाज जो हम अपने किचन में स्पेस सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे बेस्ट मटेरियल्स जिसको यूज करके हम अपनी मतलब बेस्ट चीजों को यूज करके हम अपने घर को या किचन को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जो फेंकने वाली चीजें होती है ना उनको भी अच्छे तरीके से यूज करके और उन्हें हम फेंकने से भी बच सकते हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाइए और जुड़ जाइए जल्दी से मेरी इस छोटी सी फैमिली का पार्ट, एंड बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी मैं काफी सारी रील्स और अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैस बैग अगर फालतू आप लोगों के पास पड़े हैं और यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आने लगे हैं बहुत अच्छे अच्छे से वेजिटेबल स्टोर करने के लिए बॉक्सेस और क्लॉथ कवर्स, तो इनको हम लोग डिस्कार्ड कर चुके हैं। अब ये पड़े हैं बट इनको यूज़ तो करना ही है किसी ना किसी जगह पर। सो इसमें मैंने राउंड शेप का कार्डबोर्ड डाल दिया है ऐसे, और इसको यूज़ कर रही हूँ मैं पोटैटो और अनियन रखने के लिए, क्योंकि ये जो ऐसे ही बास्केट में रख दो तो काफ़ी मैस करते हैं और पूरे में फैले रहते हैं, तो ये एक जगह पर स्टोर रहेंगे और जिस भी वेजिटेबल बास्केट में इसको रखोगे तो ये एक ही जगह पर दोनों बन जाएंगे और मिक्स नहीं होंगे, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। आटे के बैग जब हम लोग बाहर रहते हैं और मार्केट से आटा खरीदते हैं तो इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, सो इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाइनर का काम करते हैं, तो इसको जिस शेप में काटना है कट करिए और इनको लाइनर एज अ लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ वेजिटेबल रैक में इसको डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत होल हैं, बड़े बड़े जालियाँ हैं, तो नीचे कुछ भी सामान गिर जाता है। अगर इनको डालेंगे तो वाइट कलर होने की वजह से ये स्पेसियस भी लगेंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसमें अगर सब्जियाँ रखेंगे या कोई भी चीज़ रखेंगे तो नीचे कचड़ा भी जमा नहीं होगा, तो इस तरह बैग्स को एज अ लाइनर आप ही यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने कैबिनेट्स में भी बिछाकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेजिटेबल रखने की जगह इस स्पेस को मैं यूज़ करती हूँ इस बड़े बड़े कंटेनर्स रखने के लिए। इसमें ग्रॉसरी बैग्स और जो भी किचन टॉल्स होती हैं उनको मैं रख देती हूँ, तो एक छोटी सी जगह पर मेरा बहुत सारा सामान बन जाता है। ऊपर भी कुछ किचन क्लॉथ्स और प्लेट्स रखी हैं, नीचे वाले में वेजिटेबल्स रखती हैं, बड़े बड़े डिब्बे भी रख दिए, तो बहुत सारा एक ही जगह पर मेरा सामान किचन का है ना जो आ गया है। अगर इस तरह के कंटेनर्स पड़े हैं पीडियाश्योर के या किसी भी इस तरह के पाउडर के, तो इनको रीयूज़ करें, थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह कर लें ताकि वो अच्छे लगें। उसके बाद इसको हम लोग कुछ भी सामान स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन स्टोर किया है और इसकी को एक धागे की हेल्प से इसी रैक में मैं हैंग कर दूंगी, तो मेरा काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा और जो है ना लहसुन सबके साथ मिक्स भी नहीं होगा, अलग से उसको स्पेशल स्पेस भी मिल जाता है। इसकी वजह से हमारा है ना जो स्पेस काफ़ी बच जाता है और चीज़ें स्पेसियस भी हो जाती हैं। बहुत सारा सामान एक ही जगह पर हम रख सकते हैं। इन छोटे छोटे आइडियाज़ को ट्राई करके हम चीज़ों को रीयूज़ कर लेते हैं और किचन में काफ़ी सारी जगह भी बना लेते हैं, बेस्ट चीज़ें रीयूज़ भी हो जाती हैं। इसी तरह से इन टिन कंटेनर्स को भी रीयूज़ किया जा सकता है, इसको पेंटिंग कर लीजिए और इसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसे एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं रख रही हूँ छोटे छोटे टी बैग्स, क्योंकि ये यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, बड़ा पैकेट आ जाता है तो बहुत सारी जगह ले लेता है, तो ये छोटे छोटे बैग्स को निकाल कर कुछ जो कुछ दिन के लिए यूज़ हो जाएंगे मैंने इसमें स्टोर कर लिए हैं। चाहे तो कैप लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सो ये मेरे टी बैग्स के लिए भी एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ मैं डेली उसको यूज़ कर सकती हूँ और वो फैले फैले भी बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ग्रॉसरी लेने जाओ तो ये बैग तो बहुत सारे इकट्ठे घर में हो जाते हैं और ये इतना क्लटर करते हैं कि यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, टाइम पर ढूंढो तो मिलते भी नहीं है। इनको बस सिंपल सा फोल्ड किया इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ, सेम वैसे ही फोल्ड करना है। ये अच्छे से टाई हो जाते हैं और फिर ये खुलते नहीं हैं, जो इसकी फोल्ड है ना वो नहीं खुलती है, अच्छे से टाई हो जाते हैं। तो जितने भी घर में ग्रॉसरी बैग्स हैं वो इकट्ठा करके इस तरह से एक बार में फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस बैठिए फ्री टाइम में और
इस तरह से फोल्ड करके एक जगह पर इनको स्टोर कर लीजिए। किसी भी बड़े कंटेनर में या DIY कंटेनर में इसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ किया है, जो कुकीज़ में निकल आते हैं उसको मैंने कपड़े से कवर करके और इसमें सारे ग्रॉसरी बैग स्टोर कर दिए हैं। अब जितने भी ग्रॉसरी बैग हैं वो यहाँ वहाँ नहीं रहेंगे, एक ही जगह पर मिल भी जाएंगे। इस तरह की कूटनी सबके पास होती हैं, जिसमें हम सुबह से अदरक कूटने के लिए यूज़ करते हैं, कोई मसाला कूटने के लिए यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इस पर नीचे बार बार कपड़ा रखना पड़ता है और कभी भूल जाओ तो नीचे फर्श पे या किसी भी चीज़ पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। सो इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। इस तरह की कोई भी थर्माकोल सीट ले लीजिए या फॉर्म सीट ले लीजिए और दो तीन हिस्से करके उसको कट कर दीजिए, ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए, और बस राउंड शेप में काट दीजिए। मतलब जिस शेप की भी आपकी कूटनी है उस शेप में काट के, और इसको ग्लू गन की हेल्प से या कोई भी इस तरह की फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका दीजिए। बस परमानेंट सॉल्यूशन रेडी है। अब इसको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा और ना ही इसके नीचे कपड़ा रखना पड़ेगा। धुलना भी आसान होगा, धुलने के बाद भी नहीं निकलेगा। इस तरह के कंटेनर्स भी हर किसी के घर में वेस्ट पड़े ही रहते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं। इनको फेंकना ही है तो एक बार यूज़ कर लिया जाए। इसको मैंने कुछ इस शेप में कट कर दिया है और इसमें चाहें तो एक होल भी कर सकते हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए इसमें लेस मैंने लगा दी है। देन इसको मैं डबल साइडेड टेप से अपने किचन के टाइल पे लगाऊंगी, जो मेरे गैस के जस्ट ऊपर है, मतलब थोड़ा साइड में। बिकॉज़ ये मैंने किस लिए किया है, ये छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो थोड़े से डाल के और बच जाते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेस नहीं होता है और यहाँ वहाँ डल के वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको बस एक पर्टिकुलर स्पेस दे दीजिए जस्ट जहाँ पर कुकिंग कर रहे हो। ये सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो एक बार ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में इस तरह के बैग्स बहुत आ जाते हैं। अब तो यही बैग्स आते हैं और बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डस्टबिन के नीचे लगाने के लिए। हम लोग जब भी गार्बेज बैग लगाते हैं तो उसके नीचे ये बैग लगा लीजिए। बिकॉज़ किचन का जो कचरा होता है वो थोड़ा बहुत गीला हो जाता है, ताकि डस्टबिन गंदा ना हो और ये कपड़ा सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डस्टबिन में। फ्रिज का साइड वाला पार्ट खाली रहता है तो इसमें इस तरह के हुक्स लगा लीजिए, जो डबल साइडेड टेप इसमें लगा होता है, और इसमें हल्की फुल्की चीज़ें हैंग हो जाती हैं। बस ध्यान देना है कि इसमें किस वेट तक की चीज़ें हैंग हो सकती हैं। इनको फ्रिज में लगाकर हम इस पर छोटे मोटे बैग से हैंग कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो हमारा जो है ना एक स्पेस भी यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, जो फ्रिज का फालतू स्पेस पड़ा है उनको इस तरह से हुक लगाकर, और फ्रिज के साइड के पार्ट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं छोटी छोटी अपनी चीज़ें हैंग करने के लिए। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और चलिए अब आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। एंड अगर आप लोग भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी करिएगा, मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।